महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर यानी कि गुजरात का वडोदरा, और यहाँ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने कई तरह की सुविधाएं दी थी। आज भी वडोदरा के नागरिक उन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। वहीं अब वडोदरा का विकास वडोदरा महानगर पालिका के हाथ में है, और वडोदरा का विकास करने के लिए कॉरपोरेशन ने अलग अलग योजनाएं बनाई है। वडोदरा को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद भी कॉरपोरेशन पिछले कई सालों से कर रहा है, और स्मार्ट सिटी अंतर्गत वडोदरा शहर को मिली है इंटेलिजेंट पोल्स की भेंट। 14 अगस्त 2017 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों वडोदरा में इंटेलिजेंट पोल की पब्लिक वाईफाई फैसिलिटी और स्मार्ट बिलबोर्ड के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था। आईपोल लगाने का मकसद वडोदरा में पीपीपी मॉडल के तहत भारत में पहली बार नागरिकों को डिजिटल इंडिया के तहत वाईफाई इंटरनेट सर्विस देने का था, जिस पर पब्लिक वाईफाई सर्विस के साथ साथ स्मार्ट पोल इंस्टॉल करने की योजना है। पीपीपी मॉडल के तहत तैयार किए गए प्रोजेक्ट में 15 साल में स्मार्ट सिटी को 22.41 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू देने की बात भी कही गई है। पीएमसी की वेबसाइट पर यह भी लिखा गया है कि इंडस कंपनी इस प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। 12 मीटर और 30 मीटर के 450 इंटेलिजेंट पोल्स पूरे वडोदरा शहर में लगाने की योजना बनाई गई है, और पहले चरण में 200 आई पोल शुरू करने पर काम शुरू किया गया था। सभी पोल में वायरलेस एक्सेस पॉइंट यानी वाईफाई हॉटस्पॉट, स्मार्ट बिलबोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, एनवायरमेंटल सेंसर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इमरजेंसी कॉल बॉक्स इत्यादि भी पोल पर लगाए गए हैं। इंडस टावर लिमिटेड द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर कंपनी है। इस योजना के तहत वडोदरा के नागरिकों को फ्री वाईफाई देने का वादा किया गया है। कल वीएनएम टीवी पर हमने आपको दिखाया कि ये इंटेलिजेंट पोल की जो वाईफाई सुविधा है उसका लाभ वडोदरा के नागरिक नहीं ले पा रहे हैं। आखिरकार ये सुविधा क्या है और वडोदरा के नागरिकों को कैसे मिल सकती है, उसे जानने के लिए हम पहुंचे वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय और स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट से इस पूरे विषय में हमने जानकारी ली। गुजरात का वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल है, और वडोदरा शहर को स्मार्ट बनाने और वडोदरा शहर के नागरिकों को स्मार्ट सिटी की सुविधा देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट भी कार्यरत है। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है वाईफाई प्रोजेक्ट, जिसके तहत वडोदरा शहर के नागरिकों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने की पहल स्मार्ट सिटी की ओर से की गई है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि स्मार्ट सिटी अंतर्गत जो वाईफाई पोल्स लगाए गए हैं उसकी क्या संख्या है, उस प्रोजेक्ट की क्या लागत है, और अब 5-6 साल बाद, ये 5-6 साल पहले इंप्लीमेंट हुए हैं और लगातार ये काम चल रहा है, ऐसे में वाईफाई की सुविधा वडोदरा के नागरिकों को जो मिल रही है वो कहाँ तक पहुंची है। सर, वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी अंतर्गत वाईफाई पोल्स लगाए गए हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कितने साल हो गए, कितने पोल्स लगे हैं, क्या प्रोजेक्ट की लागत है, और अब कितने एफिशिएंटली वो वर्क कर रहे हैं? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वाईफाई पोल नहीं है, इसको इंटेलिजेंट पोल्स बोलते हैं। बेसिकली इसमें कोई लागत नहीं है, इसमें प्रोजेक्ट वीएमसी की ओर से एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है, और दूसरा कि ये पीपीपी मॉडल पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट किया गया था। बेसिकली इसका पर्पस ये था कि टेलीकॉम अवेयरनेस, जैसे बड़ौदा में टेलीकॉम कनेक्टिविटी 5 साल पहले कुछ कम थी, तो बेसिकली ये इंटेलिजेंस पोल वोडाफोन आइडिया एयरटेल की ज्वाइंट इंडस टावर कंपनी लगा रही है, जो फ्लैट अपार्टमेंट की छत पे लगा रही है, फ्लैट अपार्टमेंट वाले को रेंट दे रही है, उसकी जगह वो रोड पे लगा रही है और टेलीकॉम एंटेना उसमें लगा रही है। सो बेसिकली नाउ एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज, वडोदरा इज द सेकंड इन टेलीकॉम कनेक्टिविटी ड्यू टू दिस काइंड ऑफ पोल्स, नंबर वन। नंबर टू, इसमें अगर वो रोड पे लगा रही है तो दे आर गिविंग अस द रेवेन्यू, दैट कॉस्ट इज फॉर 450 पोल्स 22.41 करोड़ इन 15 ईयर्स, जो हाईएस्ट रेवेन्यू है। अभी अगर हम डायरेक्ट लगाने जाए वार्ड से या लैंड एंड एस्टेट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने जाए तो इट कॉस्ट अराउंड 17,000 पर ईयर, दैट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस एंड ऑल दिस, बट इसमें वो हमें 45,000 तक देता है रेवेन्यू, तो इससे वीएमसी की रेवेन्यू बढ़ रही है। नंबर टू, उसके ऊपर जो वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड लगा है उस पर हम अपनी एडवर्टाइज दे सकते हैं। नंबर थ्री, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो फाइबर नेटवर्क डाल रहा है हमारे लिए, वो फाइबर नेटवर्क की 4 कोर हमें दे रहा है, जिसमें हम सीसीटीवी कैमरा डाल रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मतलब फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क
उसने 110 किलोमीटर डाला है, जब 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज करीबन 6 से 7 लाख है, तो 10 किलोमीटर का 60 लाख। तो हमें ये भी फायदा है कि हम जहां सीसीटीवी लगे हैं वहां हम अपना फाइबर की जगह वो फाइबर यूज कर रहे हैं। नंबर 4, वो पोल पे हम कैमरा और बाकी सेंसर भी लगा देते हैं, तो हमने अभी तक 30 कैमरा उस पर लगाए हुए हैं। एंड नंबर 5, इसमें जो 12 मीटर पोल है जिसकी संख्या 74 है, उस पे वाईफाई, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2016-17 में, तब मोबाइल में वाईफाई का मतलब इंटरनेट का चार्जेस था, तो यहाँ एक्सेस पॉइंट लगाया हुआ है पोल पे जो 50 मीटर पेरीपेरी में वाईफाई एक्सेस करवाता है, जो यूजर नेम पासवर्ड से पर मोबाइल 200 MB फ्री है। आजकल इसका यूज बहुत कम इसलिए हो रहा है कि वाईफाई इज अवेलेबल, बट अपने मोबाइल में 160 रुपीज से लेकर 350 रुपीज में अनलिमिटेड इंटरनेट इज अवेलेबल, इसलिए उसके लिए लॉग इन कम करते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है जो PPP मॉडल पे किया है और अभी तक हमने 3.5 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट कर दिया है। सर, अब तक टोटल कितने पोल लग चुके हैं, 12 मीटर और 30 मीटर की मैं अगर बात करूं? टोटल देखा जाए तो 161 जितने पोल लग चुके हैं, जिसमें 12 मीटर और 30 मीटर शामिल है। और ये सारे इंडस टावर कंपनी ने लगाया है, राइट? सारे इंडस टावर कंपनी ने लगाया है। इसका एक फायदा और भी है कि इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ता है। सपोज अपार्टमेंट पे लगता है तो अपार्टमेंट पे स्ट्रक्चर लगता है और उसका वेट बढ़ता है, और उसका वेट अपार्टमेंट पे जाता है, उसके बेस फाउंडेशन पे जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी उस पर भी एक इश्यू हो सकता है अगर पुराना अपार्टमेंट। इसलिए रोड पर लगाया तो लोगों के लिए भी सेफ है, वो रेवेन्यू भी VMC को ज़्यादा दे रहा है, तो ये सब फायदे हैं इसके। और जब ये इंस्टॉल हुए हैं सर, तब भी कोई पैसा स्मार्ट सिटी कंपनी को या कॉरपोरेशन के पास आया है? हाँ, अभी तक 3.5 करोड़ रुपये आ गए हैं इसमें, जिसमें पोल फाउंडेशन और सारा चार्ज, और वो पर ईयर हमें पोल बेस पे चार्जेस देता है। और वाईफाई की जो सुविधा है, फ्री वाईफाई की सुविधा, वो किस कदर नागरिकों को मिल रही है? क्योंकि हम कल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, 12 मीटर पे एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको मिलेगा जहाँ 200 MB फ्री है। बिल्कुल टावर के नीचे ही सर खड़े होके हम ट्राई कर रहे थे, वो खुल जाता है एक बार, लेकिन आप यूट्यूब या कुछ भी, आपका कोई वीडियो नहीं खुल रहा है। इसमें आपको पहले ऑथेंटिकेशन लॉग इन करना पड़ता है साइबर सिक्योरिटी और अदर सिक्योरिटी फ्रॉड के लिए। अगर आप लॉग इन नहीं करोगे तो वो खुलेगा सही, लेकिन कुछ भी एक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें साइबर क्राइम भी होता है। अगर कोई अननोन आदमी वहां से साइबर क्राइम के लिए कहीं पे कॉल कर दे वाईफाई थ्रू, या कोई कुछ हैक करने की ट्राई करे, तो वो ना हो इसलिए उसका सिक्योर ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे ये यहाँ VMC फ्री वाईफाई आपको दिखाई देगा, तो वही एक्सेस पॉइंट यहाँ भी लगा हुआ है। कोई भी एक्सेस पॉइंट, ऐसा नहीं है कि ये वाईफाई, ये तो एक्सेस पॉइंट जो स्टैंडर्ड कंपनी स्पीड कम पड़ रही है, पेरीफेरी में हो रही है। स्पीड तो लॉग इन इतने नहीं हो रहा है क्योंकि हर एक के मोबाइल में है, इसलिए वाईफाई तो लास्ट ये है, लेकिन ये इंटेलिजेंट पोल से बाकी का सब सपोर्ट मिल रहा है, जिससे हमें करोड़ों का फायदा है। जैसे मेन तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और VMD पे अपनी एडवर्टाइजमेंट, जैसे रोड मैप अभी लगाए हुए है, और इसके अलावा हमें जो रेवेन्यू जनरेशन होती है जो बाकी कोई कंपनी पोल लगाती है उसमें जीरो होती है। सर, ये जो टाइम, कुछ टाइम लिमिट भी है क्या कि इसी टाइम लिमिट में वाईफाई की सुविधा लोगों को मिल रही है? नहीं, अगर एक्सेस पॉइंट की पेरीफेरी में है तो आप कहीं पे भी कोई भी टाइम लिमिट पे कर सकते हैं, बट द रेंज इज पर मोबाइल पर इंस्ट्रूमेंट इट इज 200 MB। मतलब हम तो वहाँ नीचे ही खड़े होकर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे वो जगह बताओ, मैं मेरी टीम को भेज के चेक करवा देता हूँ। वाईफाई की सुविधा वडोदरा शहर के, वैसे जो इंटेलिजेंट पोल लगे हैं उसकी बहुत सारे और भी फायदे मनीष भट्ट ने गिनाए हैं, और सर कह रहे हैं कि ये सिर्फ वाईफाई के लिए नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, लेकिन वाईफाई की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो शायद अभी और जहां जहां नहीं मिल रही है, वो इंश्योर करने की बात भी वो कह रहे हैं। सुनी स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया, वो जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है। पूरे प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा महानगर पालिका द्वारा स्मार्ट सिटी अंतर्गत वडोदरा के नागरिकों को सुविधा देने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उनका कहना है कि वडोदरा के नागरिक अब इस सुविधा का लाभ उठाते ही नहीं है। वैसे उठाएंगे भी कैसे जब डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है? हमने आपको बताया था कि ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कुछ वेरिफिकेशन इसके लिए करना पड़ता है, लेकिन वेरिफिकेशन
क्वेश्चन का वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। खैर, हमने एक और बार पालिका का ध्यानाकर्षण करा दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में वडोदरा शहर के नागरिकों को सुचारू वाईफाई सुविधा का भी लाभ मिल सके। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीएनएम टीवी के लिए। वडोदरा में स्मार्ट सिटी अंतर्गत लगाए गए इमरजेंसी बॉक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं होने की हकीकत वीएनएम टीवी ने उजागर की थी, जिस पर स्मार्ट सिटी विभाग द्वारा एक्शन लिया गया है। वडोदरा शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नागरिकों को अलग अलग सुविधाएं दी गई है और उन्हीं में से एक है वडोदरा शहर में 9 जगहों पर लगे हुए इमरजेंसी बॉक्स, जिस पर अगर आप किसी भी आपात स्थिति में फंसते हैं तो आप पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सके, ऐसी व्यवस्था दी गई है। वीएनएमजीवी के रियलिटी चेक में हमने पिछले दिनों चेक किया था कि कुछ वो जो बॉक्स थे वो नहीं चल रहे थे, और उसका जवाब आज हम फिर एक बार कॉरपोरेशन के अधिकारी, स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट से ले रहे हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इमरजेंसी बॉक्स कब लगाए गए थे, उसकी लागत क्या थी और अब उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है। सर, इमरजेंसी बॉक्स लगाए गए थे, पहल बहुत अच्छी थी नागरिकों को सुविधा देने की, क्या कंडीशंस हैं उनकी और उस वक्त कितनी लागत से इसे इम्प्लीमेंट किया गया था? इमरजेंसी कॉल बॉक्स कोई सेपरेट नहीं लगाए गए थे। इमरजेंसी कॉल बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। वो 2016 में 9 सिटी के अलग अलग लोकेशन पे लगाए गए थे, तो उसकी कोई अलग लागत नहीं है। दूसरा कि सारे इमरजेंसी कॉल बॉक्स, आफ्टर न्यूज़ आई हैव चेक ऑल द इमरजेंसी कॉल बॉक्स एंड ऑल इमरजेंसी कॉल बॉक्स आर वर्किंग, सो वो सारे वर्किंग है। उसके बाद हमने कॉल चेक किया, अभी मैं लाइव देख सकता हूँ और ये कॉल हिस्ट्री भी है जिसमें आपने भी कॉल किया है वो मुझे दिखाई देता है। तो वो वहाँ पुलिस भवन में पुलिस का जो CCTV कंट्रोल रूम है वहाँ उसका कॉल आता है। तो आई हैव जस्ट टॉक विद दैट पुलिस डिपार्टमेंट, तो उनके पास भी ये सुविधा उपलब्ध है और उन्होंने ये देखा था तभी ये रिपोर्ट आता है। तो ये चालू है, आप टेस्ट भी कर सकते हो, जो इमरजेंसी में पुलिस की मदद मिल सकती है। मतलब कभी भी आप कहीं भी फंसे हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने अब चेक करा लिया है कि सारे वर्किंग कंडीशन में है? यस, मैंने चेक करवाया है, सारे वर्किंग है। नागरिकों को सर पता नहीं है कि इस इमरजेंसी बॉक्स, क्योंकि उस पर इमरजेंसी लिखा हुआ है तो लोग थोड़ा सा डरते हैं कि इसको हाथ लगाए कि नहीं, इसका कुछ एडवर्टाइजमेंट या किसी तरह से मीडिया के माध्यम से हम प्रचार करें तो शायद नागरिक इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने 16-17 में तो ये किया था, लेकिन आपकी बात बहुत सही है, हम लोग फिर से इसका प्रचार करते हैं और इसको सोशल मीडिया और बाकी एंगल से अवेयरनेस करते हैं जिससे नागरिकों को पता चले कि उनको कैसे उसका उपयोग करना है। वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे इमरजेंसी बॉक्स लगे हैं और इमरजेंसी बॉक्स किस तरह काम करते हैं वो भी फिर एक बार हम वीआरएम टीवी पर आपको चेक करके दिखाएंगे, ताकि आप भी इमरजेंसी के वक्त उन इमरजेंसी बॉक्स का इस्तेमाल कर सके। गुजरात के वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर नागरिकों को अलग अलग सुविधाएं दी गई है, उन्हीं में से एक है ये इमरजेंसी बॉक्स जो वडोदरा शहर में अलग अलग 9 जगहों पर लगे हुए हैं। पिछले दिनों वीएनएम टीवी पर आपने देखा ही कि इमरजेंसी बॉक्स काम नहीं कर रहे थे, उस पर कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट का ध्यानाकर्षण कराने के बाद अब ये इमरजेंसी बॉक्स काम कर रहे हैं कि नहीं, आइए फिर एक बार चेक कर लेते हैं। वीएनएम टीवी पर हमने देखा था कि SOS बॉक्स, इमरजेंसी बॉक्स जो लगे हैं वो चल नहीं रहे थे और लोगों को पता भी नहीं था कि इसके बारे में, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने उस दिन भी कोशिश की थी, मैं आज फिर एक बार कोशिश करती हूँ कि क्या मैं इस इमरजेंसी बॉक्स का इस्तेमाल कर पाती हूँ। आज यहाँ घंटी बज रही है, घंटी की आवाज सुनाई दे रही होगी। हेलो, हेलो। आज भी इसमें कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, मुझे लग रहा है कॉल लग रहा है, घंटी बज रही है, शायद कोई उठा भी रहा है क्योंकि 2-3 घंटी के बाद रिंग बंद हो रही है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मेरी बात शायद सामने नहीं पहुंच पा रही है और शायद ये विसंगतता अभी भी है।
चलिए ये मशीन काला घोड़ा के बिल्कुल सामने लगी है, नहीं वर्क कर रही है या मुझे इससे सहायता नहीं मिल पा रही है, एक आध और मशीन ट्राई कर लेते हैं कि क्या आखिरकार कॉरपोरेशन और पुलिस विभाग का इस पर ध्यानाकर्षण कराने के बाद कोई कार्यवाही हुई है कि नहीं। काला घोड़ा पर लगे इमरजेंसी बॉक्स का तो कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला है, और पिछली बार जहां से मैंने शुरुआत की थी वडोदरा रेलवे स्टेशन पर लगा इमरजेंसी बॉक्स, फिर एक बार मैं वहीं पहुंची हूं। शायद काला घोड़ा का नहीं चल रहा हो, फिर यहां का चल रहा है कि नहीं वो भी हम देख लेते हैं। और रेलवे स्टेशन पर लगा इमरजेंसी बॉक्स क्या मुझे आपात स्थिति में सहायता पहुँचा रहा है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। फिर एक बार मैं कॉल लगाने की कोशिश करती हूँ, कॉल इन प्रोग्रेस बता रहा है। लेकिन इसमें किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही है। अभी अभी मेरी पुलिस विभाग के सीसीटीवी डिपार्टमेंट में बात हुई है, उन्होंने कहा कि कोई टेक्निकल एरर से शायद दो मशीन नहीं चल रहे हैं, लेकिन न्याय मंदिर पर लहरीपुरा गेट पर जो मशीन लग रहा है उससे बात हो पा रही है और उससे उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश भी की। हम भी ट्राई कर लेते हैं कि आखिरकार मकसद यही कि वडोदरा शहर के नागरिकों को ये सुविधा मिल सके। घंटी बज रही है। हेलो, हाँ जी, मैं वीएनएम टीवी से बात कर रही हूँ। हाँ मैडम, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इमरजेंसी बॉक्स वडोदरा शहर के लोगों को सुविधा पहुंचा सके। ઇમરજન્સી સમયે તમે આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। હા મેડમ, અમે કરી શકીએ છીએ। અને કાલા ઘોડા અને રેલવે સ્ટેશન નું બોક્સ હજુ પણ નથી ચાલી રહ્યું, એ પણ તમે શું વર્કઆઉટ કરશો? હેલો, मुझे लग रहा है कॉल का ड्यूरेशन इतना ही होता है, यहाँ कॉल बंद हो गया है लेकिन बात हो रही है और आप आपका मैसेज पहुँचा सकते हैं। वडोदरा शहर में जगह जैसे ऐसे इमरजेंसी बॉक्स लगे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के ध्यानाकर्षण के बाद उन्होंने कोशिश की है कि इसे सुचारू रूप से फिर एक बार चालू किया जा सके। वीएनएम टीवी का मकसद यही है कि वडोदरा शहर के नागरिकों के टैक्स से जो सुविधाएँ उन्हें मिली है उसका पूरा पूरा फायदा उन्हें मिल सके, और इमरजेंसी बॉक्स जब उन्हीं में से एक है तब वडोदरा शहर के नागरिकों को इसकी सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। आगे चलकर अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, चोरी लूटपाट या कोई भी छेड़खानी जैसी घटना घटती है, आप इस पर कॉल कर पुलिस डिपार्टमेंट और वडोदरा महानगर पालिका से सीधा संपर्क कर सकते हैं। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।